हेलो दोस्तों, मैं आप सबको एक लेसन समझाऊंगी जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज। होप आप सबको पसंद आए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ऑन सेइंग प्लीज। द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वॉज फाइन फॉर द ऑफेंस वॉज अनडाउटेबली इन द रॉन्ग। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। ये लेसन एक स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है जो कि हमें लास्ट तक एक इम्पॉर्टेंट मॉरल बताता है, तो इसलिए ध्यान से सुने। एक दिन एक जवान लिफ्ट वाला जो कि एक सिटी ऑफिस में काम करता था, वो एक दिन एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक देता है और बाहर फेंकने के वजह से वो लिफ्ट वाले पर फाइन लगता है क्योंकि उसने एक गलत काम किया था। वो लिफ्ट वाले ने जो भी किया वो बिल्कुल गलत था और ये सब जो भी होता है वो प्लीज़ जैसे वर्ड नहीं यूज़ करने की वजह से भी होता है। The complainant entering the lift said top. The lift man demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This of course was carrying a comment on manner too far. Actually होता क्या है कि जो passenger है वो कहता है lift man से top, मतलब कि ऊपर वाला button दबाए, ऊपर ले चले। तब वो lift man कहता है top के साथ please भी बोलो, और जब वो पैसेंजर उसकी बात नहीं मानता, इनकार करता है, तब लिफ्ट मैन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसको धक्का मार देता है लिफ्ट से। सिर्फ प्लीज़ नहीं कहने की वजह से ऐसे धक्का मार देना, ये तो बिल्कुल गलत था। उस लिफ्ट मैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस कर्टसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज़ नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी। बदतमीज़ी करना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। सिर्फ बदतमीज़ी करने के वजह से ऐसे धक्का मार देना, ऐसे कानून बिल्कुल नहीं मानता। तो यहाँ दोस्तों असॉल्ट का मतलब ये होता है कि मारपीट करने से जो अपने अंदर डर पैदा होता है उसे असॉल्ट कहते हैं, और बैटरी का मतलब ये होता है कि किसी के साथ मारपीट करना। इफ़ अ बर्गलर ब्रेक्स इन टू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन द लॉ विल एक्विट मी एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस। It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. But no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. फिर आगे राइटर जो है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर वो एक स्टोरी बताते हैं जो कि एक चोर से रिलेट करते हैं। वो कहते हैं कि सपोज एक चोर मेरे घर में घुसता है और मैं उसे बहुत मारता हूँ और अपने काबू में कर लेता हूँ, तो जो कानून है वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन अगर मेरे साथ कोई मारपीट करता है तो कानून मुझे इसकी परमिशन देता है कि मैं भी उससे उतना अटैक करूँ जितना जायज़ हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जो चोर है और उसके साथ वाले जो भी गैंग में होंगे वो लोग कानून की कुछ बातों को तोड़ देते हैं और वो लोग नहीं मानते। लेकिन कोई भी कानून हो, वो बदतमीज़ी को लेकर कभी रूल नहीं बना सकता और वो अलाउ भी नहीं कर सकता है उस अटैक को किसी ऐसे इंसान पर जिसे कानून खुद भी नहीं मानता कि ये जो है वो लीगली पनिशेबल भी है, सजाए देने के लायक है। एंड आर सिंपथी विद द लिफ्ट मैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल। It would never do if we were at liberty to box people's ear because we did not like the behavior or the tone of their voices or the scowl of on their faces. Our fists would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. जो कुछ भी सिंपति लिफ्ट मैन के साथ हो, लेकिन ये भी बात मानना बहुत ज़रूरी है कि जो लॉ है वो रीज़नेबल है, मतलब कि जो रूल है वो रूल है, उसे सबको मानना होगा भले से वो कोई भी हो, जो भी जवान हो या बूढ़े हो या अमीर हो या गरीब हो, सभी को मानना होता है जो कानून कहता है। और इस बात से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता कि सबको आज़ादी दी जाए, क्योंकि मतलब किसी को भी आज़ादी दी जाए कि सबके कान तोड़ दे क्योंकि हमको उनका बिहेवियर पसंद नहीं आया या उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं लगा या फिर उन पर उनके गुस्से वाले चेहरे अच्छे नहीं लगे हो, तो इस बात पर किसी को भी आज़ादी नहीं दी जाती कि वो किसी को भी मार धार करे या मारपीट करे। इन सब के वजह से किसी को मारना या हाथापाई करना है तो बहुत गलत है। और जो हमारे फिस्ट है वो कभी आराम से नहीं बैठते, वो सिटी के जो गटर्स है उसमें पूरा दिन खून बहता रहता है। फिर आगे राइटर ये कहते हैं,
आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन. आई मे बी हॉटी और बोरिश एंड देर इज़ नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बींग रिटन डाउन एज एन इल मैनर्ड फेलो. मैं कितना भी बदतमीज रहूँ मुझे कानून मारपीट से तो ज़रूर बचाएगा. मैं प्राउडी या घमंडी जो भी बोल सकते हैं वो हो सकता हो या रूड भी हो सकता हो और इसके लिए कोई भी मुझे कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा सिवाय इसके कि मेरे बारे में कोई कहीं लिखा गया हो कि मैं इल मैनर्ड इंसान हूँ. द लॉर्ड कंपेल मी टू से प्लीज और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल्स सेंसिबिलिटीज एनी मोर देन इट सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मुस्टैच और डाई माई हेयर और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस फॉर कंपेंसेशन. देर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दीज मैटर्स. मुझे कानून ज़बरदस्ती नहीं करता कि मैं किसी से प्लीज़ कहूँ और ऐसा भी नहीं कहता है कि मेरे वजह से किसी को चोट पहुँचे. ऐसा कानून नहीं कहता, यानी कि कानून नहीं करता ऐसा कुछ ज़बरदस्ती हमें कि हमारे वजह से कभी किसी को चोट पहुँचे. और कानून कोई और बातों में भी ज़बरदस्ती नहीं करता, जैसे कि मूंछें निकाल देना या बाल कलर करना या रिंगलेट्स पहन लेना. इस बातों पर भी कानून कोई ज़बरदस्ती नहीं करता. और ये बात भी नहीं मानता कि हमारी फीलिंग्स जो हर्ट हुई है उस पर फाइन देने का किसी पर केस लगा हो या केस हो. दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल. इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें जो चोट पहुंची है वो हम इनकार कर दें, ऐसे ही हटा दें, भूल जाए. इट इज़ प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर अक्यूटली हर्ट बाय वॉट ही रिगार्डेड एज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग दैन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स फॉर विच ही कुड हैव बीन गॉट अ लीगल रेडरेस. लेकिन जो ये स्टोरी में लिफ्ट मैन ने जो धक्का मारा था, हो सकता है कि उस चीज़ की वजह से पैसेंजर को बहुत बुरा लगा हो. द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासिस अवे बट द पेन ऑफ अ वोन टू आर सेल्फ रिस्पेक्ट और आर वैनिटी में पॉइजन अ होल डे. आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वोन आउट ऑफ द लिफ्ट ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आर एंड विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम. For there are few things more catching than bad temper and bad manners. फिर राइटर ये कहते हैं कि जो केक घुटनों के नीचे मारा जाए वो फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चीज़ जैसे जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराए तो हमें बहुत हर्ट होता है और हम भूल नहीं पाते. फिर पूरा दिन वही सोचते रहते हैं, हमारा दिन पूरा उदास चले जाता है. बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हमारा ध्यान पूरा अटक जाता है, मतलब हम पूरा दिन वही सोचते रहते हैं, जैसे कि गुस्सा और बुरा बिहेवियर किसी के साथ हमें पूरा दिन सता देता है. हम पूरा दिन वही स्ट्रेस लेते हैं और पूरा दिन वही सोचते रहते हैं. फिर आगे एक राइटर एग्जांपल देते हैं, आगे पढ़ते हैं. व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट द लाइटर वेंट आउट एंड बुलीड इज मैन फैग वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउनस्टेयर एंड किक द पेज बॉय. एक बार एक सर एंथनी एब्सोल्यूट नाम का एक आदमी होता है और एक कैप्टन एब्सोल्यूट नाम का एक आदमी होता है. तो जो सर एंथनी होता है, सर एंथनी एब्सोल्यूट, वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है कैप्टन एब्सोल्यूट के साथ. जो कैप्टन एब्सोल्यूट होता है उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने किसी आदमी के पास जाता है और उससे बुरी तरीके से बिहेव करता है, बुरी तरीके से बात करता है. और फिर वो जो जिस आदमी से बुरी तरीके से बात करता है उसका नाम होता है फैग. और वो फैग जाता है, वो नीचे जाता है और जो काम करने वाला लड़का होता है उस पर गुस्सा होता है, उसे मतलब लात मारता है, हाथापाई करता है. प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैम्पैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ टू हुम द कुक हैड बीन इंसोलेंट बिकॉज द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक. और ये चीज़ रिलेट करते हुए राइटर कहते हैं कि हो सकता है कि जो इंसान लिफ्ट में आया हो, जो पैसेंजर था, जब उसने बोला टॉप तो शायद
वो भी किसी के बुरे बिहेवियर के वजह से उदास था, और हो भी सकता है कि वो अपने बॉस का गुस्सा लिफ्ट मैन पर उतार रहा हो, क्योंकि उसके बॉस ने उसे शायद गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, और शायद बॉस ने गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं बोला होगा क्योंकि सुबह के वक्त नाश्ते के वक्त उसे अपनी वाइफ से कुछ बुरा सुनना पड़ा होगा। और ये भी हो सकता है कि उसकी जो वाइफ थी, जो कुक थी उनके घर में, हो सकता है उनके वाइफ से अच्छे से बात नहीं किए हो, या बुरा बिहेव किया हो उसने, वो कुक ने, और या फिर वो कुक ने उनकी वाइफ को उल्टा जवाब दिया हो, बैक आंसर किया हो, इसके वजह से उनका अब मूड अच्छा नहीं था। तो ये एक लिंक चेन है। We infect the world with our ill humors. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. हम दूसरों के साथ बुरा बिहेव करते हैं वो बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ बुरा पेश आना उन्हें बहुत दुख पहुंचाता है। उनकी ज़िंदगी इस वजह से जितनी ख़राब होती है उतनी ख़राब कोई वजह से नहीं होती। साल भर में जितने गुनाह होते हैं वो भी उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं करते जितना किसी का बुरा बिहेवियर, बुरा बर्ताव उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। और अगर एक आदमी किसी के साथ बुरा बिहेव करता है तो इसका ये रीज़न हो सकता है किसी ने उनके साथ बुरा बिहेव किया हो, और जिसने इनके साथ बुरा बिहेव किया हो सकता है कि उसे किसी के बुरे बिहेवियर मिला हो, उसे किसी और का बुरा बिहेवियर मिला हो। तो ये बिल्कुल एक लिंक चेन की तरह है, लोगों में चेन की तरह पैदा हो चुका है कि एक बुरा किसी के साथ करता है तो वो भी किसी और के साथ बुरा कर देता है, और ये जो लिंक चेन है वो कभी ख़त्म नहीं होती। For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are a hundred who live a life of martyrdom under the shadow of a moor's temper. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. No decalogue could cover the vast area of offences, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our mood and manners. और फिर राइटर आगे एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि एक ऐसी वाइफ जो अपने हस्बैंड से मार खाती है, जो कि ठीक होता है, लेकिन कभी ऐसे भी आ जाता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी लिमिट्स भूल जाता है। लेकिन इस दुनिया में इतनी औरतें ऐसी भी हैं जो अपनी लाइफ एकदम शहीद की तरह जीती है, एकदम मार्टिरियम की तरह, मतलब पूरे हस्बैंड के अंडर में, क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड का बिहेवियर पता होता है कि वो कैसे डिप्रेस्ड होते हैं, पूरे टाइम गुस्से में ही रहते हैं। तो राइटर इधर ये कहना चाहते हैं कि बैड टेंपर के वजह से पूरे घर का गंदा माहौल बनता है, एक के कारण सभी को डिप्रेस्ड होना पड़ता है। ये रूडनेस, बैड बिहेवियर बहुत घरों को बर्बाद कर देता है। लेकिन कानून हमें अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर ऐसे कुछ नहीं कहते हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। But though we are bound to endorse the verdict against the lift man, most people will have a certain sympathy with him. लेकिन उस लिफ्ट मैन को कैसी सज़ा मिलेगी? उसने तो गलत किया था, बिल्कुल गलत किया था, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो लिफ्ट मैन पर सिंपथी रखेंगे, उन पर तरस खाएंगे, उन्होंने इतना गलत किए फिर भी उन पर तरस खाएंगे। While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. Please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. और ये बात भी सच है कि कोई लॉ हमें ज़बरदस्ती नहीं करता कि हम प्लीज़ जैसे वर्ड यूज़ करें, पर मैनर्स ही सब कुछ होते हैं, ये तो हम बचपन से सीखते हैं, हमें अच्छा बनना चाहिए। ऐसे कोई लॉ तो नहीं है, पर गुड मैनर्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ। प्लीज़ और थैंक यू जैसे वर्ड्स हमें यूज़ करना चाहिए, इससे हम हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन सामने वाले पर अच्छा रखते हैं। हमें लाइफ में गोल्डन वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, ये गुड मैनर्स इंडिकेट करते हैं। ये गुड मैनर्स, अच्छे बर्ताव दूसरों के साथ हमें ज़िंदगी में बहुत अच्छे, हमारे ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव लाते हैं। दे आर द लिटिल कर्टसीज़ बाई विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ
oiled and running sweetly. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. प्लीज़ एंड थैंक यू जैसे वर्ड्स हमारी लाइफ को आसान बना देते हैं, बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आते हैं. और ये जो डिक्टेटरशिप होती है एक तरह से रूड बिहेवियर होता है जो सामने वाले को और भी गुस्सा दिला देता है. इसलिए डिक्टेटरशिप ना करें और हम गोल्डन वर्ड्स यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में. फिर जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आप सामने वाले से अच्छे तरीके से हेल्प मांगेंगे तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे, लेकिन अगर रूड बिहेवियर से किसी से हेल्प मांगते हैं तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, इनकार कर देंगे. तो इसलिए अपनी लाइफ में सामने वाले से हमेशा अच्छे बर्ताव में बात करें, अच्छे बिहेव करें. फिर आगे बढ़ते हैं. आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are a few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. Here and there, you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by loud voice and an aggressive manner. But this type is rarer than it is used to be. I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. This does not only make things pleasant for the traveling public, but performs an important social service. फिर आगे राइटर एक स्टोरी बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड होता है जो कि कंडक्टर रहता है. लेकिन ये स्टोरी बताने से पहले वो राइटर कहते हैं कि वो इस स्टोरी से बताकर कंडक्टर्स को कोई दूसरे कंडक्टर्स को नीचा नहीं दिखाना चाहती या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते. बस वो एक स्टोरी के उदाहरण के कारण बस कंडक्टर्स की बता रहे हैं कि वो कैसे कोशिश करते हैं अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभाना, पूरे दिन कैसे काम करते हैं अच्छी तरीके से, दूसरों को कैसे खुश रखते हैं पूरा दिन, यही सब बता रहे हैं. इससे वो किसी को नीचा या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते. बस राइटर कहते हैं कि कभी कभी इधर उधर से कंडक्टरों में से कोई ऐसा होता है जो कि बहुत अजीब बर्ताव करता है, बहुत अजीब से बिहेव करता है, कि जैसे कि पैसेंजर्स जो होते हैं उनके जाने मतलब एकदम दुश्मन होते हैं, और उन कंडक्टरों को ऐसे लगता है कि जो पैसेंजर है उनका पर्पस सिर्फ कंडक्टरों को धोखा देना ही है, और इस वजह से जो कंडक्टर हैं उनको ऐसा लगता है कि ये पैसेंजर से रूडली बात करके ही बात मानी जाएगी, मतलब उनसे रूडली ही बिहेव करना चाहिए, उनसे एग्रेसिव बिहेवियर ही करना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए उन पर. पर इस तरीके से बुरे कंडक्टर्स बहुत कम होते हैं. और फिर राइटर कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो लोग हैं उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए एक कंपनी का जो कि नाम है अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, जो बसेस चलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वेंट्स ऐसे रखे हैं जिनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है और जो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं. और इसके वजह से जो भी लोग बस में ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, उनकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाती है. और साथ ही साथ जो कंपनी होती है उनका सोशल हेल्प भी कर पाती है दूसरों की. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. Writer फिर कहते हैं कि उनमें से मुझे स्पेशली कंडक्टर मालूम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे कंडक्टर्स के लिए कुछ बुरा मानता हूँ या कुछ बुरा सोचता हूँ. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst.
यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर आई यू कोल्डली एज मच एज टू से येस आई नो दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक नाउ देन ऑफ यू गेट। फिर आगे राइटर ये कहते हैं कि मुझे एक दिन वो कंडक्टर ऐसा मिला कि एक दिन मैं बस में चढ़ा और मुझे पता चला कि मेरे जेब में पैसे ही नहीं है, मैं तो पैसे घर पर ही भूल गया। और जो मेरे साथ हुआ वो मतलब आप सबको तो पता ही होगा कैसे फील होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते और हम घर से बाहर निकल जाते हैं, हम काम पर निकल जाते हैं, और जब ऐसे पता चलता है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ख़ुद पर ही गुस्सा इतना आता है और ख़ुद पर इतनी तरह से ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने क्या किया है। और इस बात से हमें बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होता है कि हमें कंडक्टर बस से उतार देगा, क्योंकि ये तो होना ही है कि बस वाला कंडक्टर हमें बस से उतार ही देगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और हम ट्रैवल कर रहे हैं। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन ईजिली, यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन ऑन योर एंगेजमेंट। और अगर वो कंडक्टर अच्छा हो तो तुम्हें अगर आराम से चले भी जाने देता है तो भी मुश्किल वहाँ ख़त्म नहीं होगी होती है वैसे भी, क्योंकि घर तो वापस जाना होता है, पैसे नहीं होते हमारे पास, ऊपर से अगर घर जाए तो ट्रेन छूट जाएगी और घर भी कैसे जाएंगे, बस में तो चढ़ चुके हम, आगे भी पहुँच गए और ट्रेन भी छूट जाएगी और फिर हम जो मीटिंग में जाना चाहते हैं वो उस पर भी हम पहुँच नहीं पाएंगे, तो हर जगह से फिर मुश्किल ही मुश्किल आती है। Having searched my pocket in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest as a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you needn't get off, that's all right, said he. All right, said I, but I haven't a copper on me. Oh, I'll book you through, he replied. Where do you want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from Bank to Hong Kong. I said it was a very kind of him and told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? Oh, you'll see me someday, all right, he said cheerfully. He turned to go. And then luckily, my fingers, still wandering in the corners of my pocket, lighted on a shilling and the account was square. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured an action had given me. लेकिन फिर राइटर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद पॉकेट में उनका हाथ होता है तो फिर राइटर लेकिन वो ढूंढते रहते हैं अपने पॉकेट में, पैसे मिलते ही नहीं उन्हें। फिर राइटर ईमानदारी से कंडक्टर से कहते हैं कि कंडक्टर जी, हम पैसे भूल गए हैं तो घर वापस जाना होगा। फिर कंडक्टर कहता है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो राइटर बोलता है कि पर मेरे पास तो कुछ भी पैनी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। तो फिर कंडक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपका टिकट बना लेता हूँ, आप कहाँ जाना चाहते हो वो बता दो। तो राइटर कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, और फिर वो अपने डेस्टिनेशन जिधर जाना चाहते हैं वो बता देते हैं। और फिर जब कंडक्टर राइटर को टिकट दे देते हैं तब राइटर बोलते हैं कि आपको मैं बस का फेयर बाद में दे दूँगा, तो कहाँ पर दूँ मैं आपको जो टिकट का पैसा हुआ है मेरा। तो कंडक्टर बहुत अच्छे से बोलते हैं कि कभी ना कभी हम मिल जाएंगे, तब दे देना, कोई बात नहीं। और तब क्या होता है कि जो राइटर का हाथ पॉकेट में रहता है वो पॉकेट में उन्हें एक शिलिंग का सिक्का मिलता है। जो शिलिंग का सिक्का होता है वो शिलिंग एक करेंसी है जो 12 पेंस की वैल्यू की होती थी पहले, तो वो उन्हें शिलिंग का सिक्का मिलता है, वो फ़ौरन से कंडक्टर को दे देते हैं। लेकिन फिर भी वो राइटर को उनका अच्छा बर्ताव उनकी तरफ बहुत पसंद आता है। A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. Sorry, sir, he said. I know these are heavy boots, gotten because my own feet got trod on so much and now I am treading on other people's. Hope I didn't hurt you, sir. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. कुछ दिनों बाद क्या होता है कि राइटर फिर से बस से सफ़र करते हैं।
तब अचानक एक इंसान उनके पैर पर पैर रख देता है, उनकी मतलब सेंसिटिव टो पर पैर रख देता है, वो भी एकदम ज़ोर से। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो वो ऊपर देखते हैं कि किसने उनके पैर पर पैर रखा। जब वो देखते हैं, वो देखते हैं कि वही कंडक्टर है जो उस दिन हमें मिले थे, मतलब। तब कंडक्टर राइटर को कहते हैं कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि मेरे जूते, मतलब कि आपके ऊपर पैर चला गया, मेरे जूते थोड़े भारी है, उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे पहले पैर दूसरों के वजह से सिकुड़ जाते थे, मतलब कुचल जाते थे, लेकिन अब मैं ही दूसरों के पैरों को कुचल देता हूँ, शायद मैंने आपको हर्ट किया, इसके लिए सॉरी, वो कहते हैं कंडक्टर राइटर से। राइटर को उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने उस पर सॉरी कहा और अपनी गलती अच्छी तरीके से मान लिए। आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई यूज टू आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बेरिंग ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस एंड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कम्फर्टेबल I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was a room inside. With old people, he was considerate as a son, and with children, as solicitous as a father. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people, and always indulged in some merry jest with him. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in front to wait while he could took him across the road or around the corner or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. और जब भी राइटर वो कंडक्ट जब भी राइटर बस में चढ़ते थे, तब वो कंडक्टर को हमेशा ऑब्ज़र्व करते थे। वो ऑब्ज़र्व ये करते थे कि कंडक्टर तो हमेशा सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं, और तो इतना पेशेंस है उनमें, इतना मतलब सब्र है उनमें। राइटर बोलते हैं कि मैंने देखा कि जब बारिश होती है तब वो भागकर ऊपर जाते हैं, मतलब वो डबल डेकर बस होती है ना, तो उसमें ऊपर जाते हैं, उसमें भागकर ऊपर जाकर लोगों को नीचे बुला लेते हैं कि नीचे वाला रूम खाली है, वो नीचे आकर बैठ जाए। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनसे भी बहुत प्यार से पेश आते हैं और बहुत केयर भी करता था, और एकदम पिता की तरह। उस कंडक्टर में राइटर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि उसके दिल में जो जवान लोग थे, यंग लोग थे, उनके लिए बहुत ख़ास जगह थी, और वो हमेशा लोगों में हमेशा जल्दी घुल मिल जाते थे, एकदम जल्द ही एक दूसरे में घुल मिल जाते थे। अगर बस में अगर कोई अंधा आदमी चढ़ता था तो वो उन्हें सेफली फुटपाथ पर उतार देते थे, साथ ही साथ उतारना ही नहीं, उन्हें जहाँ मतलब उनका जहाँ डेस्टिनेशन होता था वहाँ उतार देते थे, और ड्राइवर को ये भी कहते थे कि थोड़ा देर वेट करो, और उसके बाद वो अंधे इंसान को रोड के उस तरफ उस साइड छोड़ देते थे जहाँ पर वो उतरना चाहते थे, वो बहुत अच्छे से उन्हें उतार देते थे। फिर राइटर ये कहते हैं कि अगर कुछ शब्दों में अगर कंडक्टर को बयां करे तो वो एक ऐसे आदमी थे जो सबसे अलग थे, सबसे बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे, उनमें इतनी काइंडनेस थी सबको लेकर, उनके साथ ट्रैवल करना सच में एक उदाहरण था अच्छे इंसान का, जैसे कि हमको कोई अच्छी आदतों के बारे में बता रहा हो। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. It is with manners as with the weather. Nothing clears up my spirit like a fine day, said Keats, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliarity, address, and good-humored bearing infected his passengers. In lightening their spirits, he lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury, but a sound investment. फिर राइटर कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर किया वो ये था कि वो बहुत ही आराम से, ठंडे दिमाग से काम करते थे।
वो कंडक्टर बहुत ठंडे दिमाग से अच्छे से काम करते थे। अगर जो बुरी आदतें हैं अगर वो बीमारी की जैसी है तो जो अच्छी आदतें हैं वो भी उसी तरह से आपके साथ आ जाती है। अगर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करता है तो हम भी उसके साथ बदतमीज़ हो जाते हैं, बुरा बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम बदतमीज़ नहीं हैं, मतलब हम अच्छे से बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, तो वो एक अनपढ़ इंसान ही होगा जो हमारे ये से सहमत नहीं होगा, मतलब तब भी बुरा ही बिहेव करेगा। मौसम और हमारे मैनर्स एक जैसे ही मिलते जुलते हैं। एक पोएट है कीट्स, वो कहते हैं कि मेरी सोल को एक अच्छे दिन से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बनाता, और एक खुश इंसान है जो हम पर जो उदास हो उस पर ऐसे उतरता है जैसे कि एक अच्छे दिन की ब्लेसिंग हो हमारे लिए। और इसी तरह फिर राइटर कहते हैं कि उस कंडक्टर की बस में मुझे ट्रैवल करना ऐसा लगा था जैसे अच्छा मौसम चल रहा हो। पैसेंजर्स को लेकर बहुत अच्छे से बिहेव करना, बहुत अच्छा इम्प्रेशन था पैसेंजर्स पर उनका, सभी लोगों को उनका बर्ताव बहुत पसंद था और पैसेंजर्स के मूड को भी वो अच्छा बना देते थे, और इसी से वो अपना काम भी अच्छा कर लेते थे। उससे उनसे लोगों को पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी। उनका जो खुश मिजाज था वो पैसेंजर्स को हमेशा खुश कर देता था, इससे वो अपने अच्छा बर्ताव का इन्वेस्टमेंट कर लेते थे और इन रिटर्न उन्हें अच्छे लोग मिलते थे। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरिड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज इन अ रादर ड्रैब वर्ल्ड, एंड आई मेक नो अपॉलोजीज फॉर राइटिंग अ पैनर्जिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। इफ वर्थ वॉट could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. राइटर फिर बोलते हैं कि बहुत दिनों से उन्हें वो कंडक्टर नहीं मिल रहा, मतलब उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, पर फिर भी वो आशा करते हैं कि वो दूसरे रूट में जाकर दूसरे लोगों को खुश रख रहे होंगे, उन्हें दोस्त बना रहे होंगे। और वो जहाँ भी होंगे, राइटर कहते हैं कि वो जहाँ पर भी होंगे ज़्यादा दूर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो संसार है इसमें हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है, लिंक्ड है। और फिर राइटर कहते हैं कि मैं इस बात की माफ़ी बिल्कुल नहीं मानूंगा कि मैं एक अननोन कंडक्टर की स्टोरी बता रहा हूँ। राइटर फिर कहते हैं कि एक वर्ड्सवर्थ नाम के एक पोएट है उनकी एक पोएम है ऑन दी लोनली मूर करके एक पोएम है। उसमें एक लीच कलेक्ट करने वाला एक गरीब इंसान है, उसमें उनसे एक विजडम वाली बात सीखा था उन्होंने। तो अगर इतने बड़े पोएट ने एक गरीब इंसान से सलाह मांगी, मतलब विजडम वाली बात सीखी, तो हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते हैं। It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon these little everyday civilities of a behavior that sweeten the general air. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by invoking the law. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. और हम लोग ये भी मानते हैं कि वो जो वर्ल्ड वॉर से लोगों में दुश्मनी आई है, नफ़रत पैदा हो गई है, इसके वजह से ये हुआ है कि जो अच्छे बर्ताव वाले लोग हैं उनमें भी ठंड आ गई है। और हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अच्छे बर्ताव को अपने अंदर लाए, वापस लाए, ताकि हमारी लाइफ में फिर से खुशियाँ आए और हम दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ लाए और दूसरे अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से जी पाए। और ये जो गुड मैनर्स है वो हम कानून को बोलकर नहीं ला सकते। जो पुलिस वाला है वो एक नेसेसरी सिंबल है, निशानी है, और एक जो कानून है वो एक नेसेसरी मतलब ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है उस सोसाइटी के लिए जो अभी भी फरिश्तों से नीचे है। इसका मतलब ये है कि हमारा कानून कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो दुनिया है वो फरिश्तों के आसपास भी नहीं पहुँच सकती है। हम इतने भी अच्छे नहीं कि हमारा बिहेवियर एंजल से मिलता जुलता हो। But the law can only protect us against material attack, nor will the liftman's way of meeting moral afferent by physical violence helps us to restore the civilities. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. He would have had the victory, not
not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. पर जो कानून है वो हमें फिजिकल अटैक से ज़रूर बचा सकता है, और वो लिफ्टमैन ने जो अपने इंसल्ट का बदला लिया था उससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें उस लिफ्टमैन की तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अच्छा नेचर खुद में रिस्टोर करना चाहिए। राइटर कहते हैं कि वो लिफ्टमैन का बदला उतना इफ़ेक्टिव होता जब वो प्यार से वो इंसान को, पैसेंजर को, बड़ी पोलाइटनेस से बोलते, और इससे वो लिफ्टमैन को तब जीत मिलती तब जब वो प्यार से, अच्छे बर्ताव से वो इंसान से बात करते। मतलब कि अगर लिफ्टमैन ने उस बेइज्जती का जवाब इज्जत से दिया होता तो उसकी जीत सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि उस आदमी पर भी होती और खुद पर भी होती। I commend to the liftman a story of Chesterfield. In his time, the London streets were without the pavement of today, and the man who took the wall had the driest footing. I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. फिर राइटर एक स्टोरी बताते हैं एक चेस्टरफील्ड नाम के एक आदमी की। एक टाइम पर क्या होता है कि एक लंदन में स्ट्रीट्स जो होती है उस पर फुटपाथ्स नहीं होती थी पहले, जैसे कि आजकल होती है हर जगह मोस्टली। और जो इधर लिखा है टुक द वॉल, इसका मतलब ये है कि जो दीवार सड़कों से थोड़ी ऊंची होती थी वो दीवार की तरह ही होती थी, बट सड़क मतलब रोड से थोड़ी ऊंची होती थी, और जो इंसान दीवार पर चढ़ता था उसके पैर सबसे ज़्यादा सूखे होते थे, मींस ड्राई होते थे, गीले नहीं होते थे। तो एक बार क्या होता है, चेस्टर फील्ड नाम का जो आदमी होता है वो एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से एक इंसान जाता है, और दोनों यही दीवार पर होते हैं जो सड़क से ऊँची होती है। तब वो आदमी कहता है कि मेरी जो जगह है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैं पागलों के ये जगह छोड़ने मैं पागलों के लिए ये जगह नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। तब चेस्टरफील्ड कहता है कि मैं तो जगह दे दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा, और फिर चेस्टरफील्ड झुक जाता है उसके सामने और रोड पर उतर जाता है। और फिर राइटर ये कहते हैं कि जो चेस्टरफील्ड ने बदला लिया उस आदमी से वो नरमी से लिया, अच्छे बर्ताव से लिया, और अगर लिफ्ट वाला भी यही करता तो बदला भी इसी की तरह अच्छे तरीके से होता। तो यही मॉरल है जो राइटर कह रहे हैं स्टोरी में। तो दोस्तों ये था लेसन ऑन सेइंग प्लीज़। होपफुली आप सबको पसंद आया हो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।